सभी दोस्तों को भास्कर शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सभी किशोर कुमार चौधरी साहब के गीत को लेकर प्लेबैक दिया है अमिताभ बच्चन जी, सत्य पे सत्य। कुछ ऐसे किरदार हैं जो अमिताभ बच्चन जी बहुत ही बाखूबी माशाल्लाह निभाते हैं, जैसे होटल में डांस चल रहा हो और अमिताभ जी की एंट्री हुई, तब उस समय का सीन बहुत बहुत ही माने जोरदार करते हैं, या किसी हीरोइन को टॉन्ट कर रहे हैं तो वो भी एक किरदार बहुत। ये दोनों तो मेरे लिए माने स्पेशल है मेरे लाइफ के लिए। देखिए कैसे ये गीत में हीरोइन को डॉन्ट मारते हैं, देखिए किस तरह। Oh,
रविंद्रनाथ मंदिर में हमारा शो था, मॉर्निंग का शो था। शाम को मैं देखा आर डी हिट्स का शो, और वहाँ पर सूरज साठी जी का भी नाम था, तो मैंने सूरज साठी जी को फ़ोन किया कि मैं देखना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, रुक जाओ। मैं रुक गया, वो आए टैक्सी में, अकॉर्डियन बजाते हैं, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट आए, और उनका अकॉर्डियन लेके मैं स्टेज में जाने लगा। काफ़ी भारी अकॉर्डियन है, गए और वहाँ पर शो चालू हुआ। करीबन 28 कलाकार थे, एक बांसुरी वाले थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। और जब वो आर डी जी के जो ड्रमर हैं फ्रैंको जी आए वहाँ पर, वहाँ मैं उनके पास गया और उनसे हाथ जोड़ा, और मैं काफ़ी आपका फैन हूँ, थोड़ा बहुत ड्रम बजाता हूँ, बजाई। मैं बोला नहीं, मैं तो एज ए सिंगर आया हूँ यहाँ, और बस आप एक स्टिक खरीद के लाया, और मैंने उनका फोटोग्राफ किया, और वो दिन भर मेरे में काफ़ी नोटिसन करके भेजा रहे थे, भाई हैं ये चीज़, ये जो पैटर्न है बहुत अच्छा हो जाए। और एक वाक्य याद आ गया, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं ऑल देवी जी, वो भी बहुत ड्रम बहुत अफलातुन बजाते हैं, और उनके घर पर गया मैं, तो मैं कांदीवली में पहले दिलदूसी में रहते थे, जाना आना लगा रहता था, तो अभी हाल ही में मैं गया था उनके घर पर, और यही गाना उन्होंने पहला गाना जो है ये कैसेट बजाया और ड्रम बजाया, दोनों बिल्कुल एक्सेप्ट से। मैं बोला कि क्या बात है, इतना मतलब इतना एक्सेप्ट बजाया आपने विदाउट डायरेक्शन। बोले भास्कर यही मेहनत का है, यही नतीजा है। तो दोस्तों आप भी मेहनत कीजिए और जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़िए, आकाश को चुनिए, धीरे आपके कदम चुनिए। थैंक्स अ लॉट।